फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स में। तो जैसा कि व्यू देख के आपको समझ में आ गया कि मैं कहाँ पे हूँ इस समय, तो ये मतलब मरीन लाइन्स आई हूँ और मैं मुंबई आ चुकी हूँ। जैसे कि आपने, मेरे पास अभी बहुत सारे गांव के ब्लॉग हैं लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं उसको, कई दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे कंटिन्यू, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। और बहुत जल्दी कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स आएंगे आप लोगों के पास। तो अभी जो है, मैं बता दूँ तो मेरी भाभी जी और मेरी बहन सब लोग मुंबई आए हुए मेरे साथ। इधर देखिए सोनाली, सुनो हाय करो। हेलो। तो ये देखिए गोलू है, सोनाली है, तो हाय करो गोलू, हाय करो। तो यहाँ पे हम लोग, आप लोग देख के आए हुए, मरीन लाइन्स का व्यू है। खुशबू हाय करो, खुशबू हाय करो। तो सब लोग साथ में अनय, इधर देखो हाय करो, हाय करो। तो ये अनय हैं और मैं, आपको देख सकते हैं ये मरीन लाइन पत्थर है और व्यू बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। तो अभी जहाँ पे भी हम लोग निकलेंगे जाएंगे, तो आप लोगों को मैं वहाँ का व्यू दिखाऊंगी। तो आप तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो बने रहिएगा, देखते हैं अभी हम और कहाँ निकलते हैं और यहाँ का व्यू लोकेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैडम ने भी ऐसा नाम, फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं जूता घर बोट हाउस, और ये बच्चों का बहुत ही पुराना पार्क है, इसे कमला नेहरू पार्क के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही बड़ा पार्क है। तो जूता तो बहुत लोग मतलब सब और पहने भी होंगे, किसी ने खाया भी होगा जूता, लेकिन आज हम देखते हैं कि जूते में घुस के जूता घर की मतलब, इसमें एक बार में 15 से 20 बच्चे जा सकते हैं और सीढ़ियाँ अंदर बनी हुई हैं, उसके सारे बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है ऊपर ऊपर। जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो सबकी मतलब सब देखते रहते हैं, जो जिसके भी बच्चे अंदर जाते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें मतलब 12 साल तक के बच्चों को ही एंट्री होती है, अंदर एंट्री लेते हैं, बाकी और बड़े लोगों को एंट्री अंदर नहीं होती है। तो बहुत ही खूबसूरत है। तो अंश और अनय भी पहुँच चुके हैं बूट हाउस में, ऊपर आप देख सकते हैं, और कितना खूबसूरत ये हमारा बूट हाउस दिख रहा है। तो बहुत ही पुराना मतलब बहुत लोग टहलने के लिए, और यहाँ से मैं बताऊँ तो जैसे गिरगांव चौपाटी है, मरीन ड्राइव है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। व्यू तो मतलब पूछिए ही मत, आप वो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक भी मतलब पॉइंट को मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को दिखने वाला है। तो अभी ये बच्चे ऊपर गए हैं तो हम लोग भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बोट हाउस को। तो ये देखिए अंश दिख रहे हैं यहाँ से, और उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको मैं सारे खूबसूरत जो दृश्य हैं वो सब देखने को मिलने वाला है पूरा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मैं बार बार यही कह रही हूँ। कमला नेहरू पार्क के जस्ट सामने ही है हमारा हैंगिंग गार्डन, जो भी बहुत ही फेमस है,
वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं मतलब जा चुकी हूँ, बहुत पहले गई थी, अभी आज इस बार नहीं जा पाई क्योंकि शाम हो गई थी, हम लोग शाम को पहुँचे ही और शाम हो गई थी ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। सिर्फ कमला नेहरू पार्क इतना बड़ा है कि घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया और हम लोग यहीं पे घूम के आ गए। अभी नेक्स्ट टाइम अगर जब भी मैं जाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर मैं दिखाऊँगी वहाँ का भी व्यू। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा शंख यहाँ पे रखा हुआ है, बच्चे और बड़े सब लोग जाके फ़ोटो खींच क्लिक कर रहे थे यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। अगर आप लोग नहीं गए हैं और सोच रहे हैं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर जाइए एक बार घूम के आइए। बहुत ही मतलब आप लोग जाएंगे तो मतलब बिल्कुल भी टाइम बीतेगा पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम आपने वहाँ पे स्पेंड किया। और बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी हैं, पूरा मतलब गार्डन है पीछे साइड में है, और वहाँ पे मतलब बहुत ही इतना बड़ा है कि आप घूम टहलेंगे घूमेंगे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और अगर आप लोगों को ये प्लेस अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा प्लेस, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये हम लोग आ चुके हैं गार्डन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये बच्चों के खेलने के लिए गार्डन पूरा बनाया गया, बहुत ही अच्छा गार्डन है, तो देखिए और इन्जॉय करिए। अभी कहाँ गई वो लेडी, बाहर चली गई। यहाँ पे देखिए बच्चे चढ़ गए पेड़ पे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं ये लोग हैंगिंग गार्डन में आके, क्योंकि पेड़ वगैरह जानते हैं कि यहाँ शहर में देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ये हैंगिंग गार्डन है। और यहाँ बोट हाउस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, सब बच्चों को बहुत ही मतलब पसंद आया ये, और सबसे ज़्यादा ये पेड़ पे चढ़ना इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। तो छवि अंश और अनय को देख सकते हैं, सेम कलर की टी शर्ट पहना है इन लोगों ने और बहुत ही मस्त है। और यहाँ ये बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि अभी चलो शाम हो चुकी है, खुशबू है इधर, सोनाली है। और शहर में आप लोगों को पता है कि पेड़ देखने को तो मिल जाता है, चढ़ने को नहीं मिलता है, तो ये लोग पेड़ पे जब चढ़ने को मिला तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। आप लोगों को जैसे कि बच्चों के चेहरे पर खुशी दिख रही होगी। और मेरा ये ब्लॉग यहीं तक था, फिर से मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।